तुल्य परिमेय संख्या व संख्या रेखा। जिस प्रकार 1/2 परिमेय संख्या है, उसी प्रकार 2/4, 4/8 और इसी तरह और भी परिमेय संख्याएं हैं। इन्हें संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करें, आइए करके देखते हैं। चित्र 4:1 देखें। 0, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2। इसी प्रकार 0 की बाईं ओर -1/2, -2/2। चित्र 4:2 देखें। 0 की दाईं ओर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। इसी प्रकार 0 की बाईं ओर -1/4, -2/4, -3/4, -4/4। चित्र 4:3 देखें। आप देखेंगे 0 की दाईं ओर 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। 0 की बाईं ओर -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8। संख्या रेखा पर 1/2 का जो स्थान है, वही संख्या 2/4 तथा 4/8 का भी है। अतः 1/2, 2/4, 4/8 जो तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, एक ही जगह पर आती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं? हमें कोई भी दो पूर्णांक मिले तो हम पता लगा सकते हैं कि उनके बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं। करके देखें। पहला, 5 व 15 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं? दूसरा, -3 व 8 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं? क्या यह गणना हम परिमेय संख्याओं के लिए भी कर सकते हैं? 1/2 और 1/4 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं? सलमा, संख्या रेखा पर देखें तो 1/2 और 1/4 के ठीक बीच 3/8 है। 3/8 यानी 1/2 / 1/4 का आधा। रेशमा, 3/8 और 1/2 के ठीक बीच परिमेय संख्या 3/8 / 1/2 का आधा यानी 7/16, और फिर 7/16 और 1/2 के ठीक बीच 15/32 है। ये सभी परिमेय संख्याएं 1/4 और 1/2 के बीच हैं। इस प्रकार हम और भी परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच ढूंढ सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी और परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच हैं? आपस में चर्चा करो और कुछ और परिमेय संख्याएं ढूंढो। हम देखते हैं कि जितनी बार चाहें हम इन परिमेय संख्याओं के बीच नई परिमेय संख्याएं ढूंढ सकते हैं। अब हम यह कह सकते हैं कि 1/4 और 1/2 के बीच इतनी अधिक परिमेय संख्याएं हैं कि हम इनको गिनकर नहीं बता सकते। यह बात किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के लिए सही हैं। परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य संख्याएं a और b कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं जिनमें a छोटा है b से, तब असमीका के दोनों पक्षों में a जोड़ने पर हम इसे लिख सकते हैं 2a छोटा है b धन a से, a छोटा है b धन a/2 से। इसे हम असमीका 1 कहेंगे। पुनः a छोटा है b से, असमीका के दोनों पक्षों में
बी जोड़ने पर। इसे हम लिख सकते हैं ए धन बी छोटा है दो बी से। ए धन बी बटे दो छोटा है बी से, इसे हम असमीका दो कहेंगे। इस प्रकार असमीका एक और दो से हम देखेंगे ए धन बी बटे दो ए और बी के बीच में है, यानि ए छोटा है ए धन बी बटे दो, ए धन बी बटे दो छोटा है बी से। हम कोई भी दो परिमेय संख्याएं ए और बी लें तो उनके बीच एक परिमेय ए धन बी बटे दो है, और इस प्रकार ए धन बी बटे दो और ए के बीच भी परिमेय संख्याएं होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ढूंढना। हम दो परिमेय संख्याएं ए बराबर 5/1 व बी बराबर 6/1 लेते हैं। हालांकि इनके बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हैं, हम उनमें से कुछ संख्याएं पता करना चाहें तो यह तरीका उपयोग कर सकते हैं। 5/1 व 6/1 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर ए धन बी बटे दो बराबर 5/6/2 बराबर 11/2 है। इसे हम तुल्य परिमेय संख्याओं का उपयोग करके भी देख सकते हैं। आइए करके देखते हैं। 5/1 बराबर अंश और हर में 2 का गुणा करने पर, बराबर 10/2। इसे हम 5/1 का तुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। इसी तरह 6/1 बराबर अंश और हर में 2 का गुणा करने पर, बराबर 12/2। हम इसे लिख सकते हैं 10/2 छोटा है 11/2 से, 11/2 छोटा है 12/2 से। 10/2 और 12/2 के बीच एक परिमेय संख्या 11/2 होगी। 5/1 और 10/2 तुल्य परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 6/1 12/2 तुल्य परिमेय संख्या है। इन दोनों तुल्य परिमेय संख्याओं के बीच आप देखेंगे कि 10/2 छोटा है 11/2 से, 11/2 छोटा है 12/2 से। 5/1 अंश और हर में 3 का गुणा करने पर, इसे हम लिख सकते हैं 15/3। 6/1 लेने पर अंश और हर में 3 का गुणा करने पर, इसे हम लिख सकते हैं 18/3।
आप देख रहे होंगे 5/1 के तुल्य परिमेय संख्या 15/3 है, 6/1 के तुल्य परिमेय संख्या 18/3 है, यानी 15/3 और 18/3 के बीच परिमेय संख्याएं 16/3 और 17/3 होगी, जिसे हम लिखेंगे 15/3 छोटा है 16/3, 16/3 छोटा है 17/3 और 17/3 छोटा है 18/3। तुल्य परिमेय संख्याओं का उपयोग करके इन सब के अलावा और भी बहुत सी संख्या ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए 5/1 और 6/1 को 11 से गुणा व भाग करने पर हमें इन दोनों के बीच 10 नई परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। अगर हमें 1/5 और 2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम 3 से 1 अधिक अर्थात 3 × 1=4 का गुणा दोनों परिमेय संख्या के अंश और हर में करेंगे। 1/5 अंश और हर में 4 का गुणा करने पर 4/20, 1/5 की तुल्य परिमेय संख्या 4/20 होगी। 2/5 बराबर अंश और हर में 4 का गुणा करने पर बराबर 8/20। हम कह सकते हैं 1/5 की तुल्य परिमेय संख्या है 4/20, 4/20 छोटा है 5/20 से, 5/20 छोटा है 6/20 से, 6/20 छोटा है 7/20 से, 7/20 छोटा है 8/20 से, और 8/20 तुल्य परिमेय संख्या है 2/5 की। अतः 1/5 और 2/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं 5/20, 6/20 और 7/20 होगी। करके देखें, पहला 2/7 और 4/7 के बीच कोई 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा 1/5 और 1/7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीसरा -1/3 और 1/2 के बीच 11 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें।